असलम क्या हाल है मेरी YouTube फैमिली सब ठीक ठाक हो सब फिट फाट हो अलहमदिल्ला मैं भी ठीक हूँ मेरे बच्चे भी ठीक हैं तो आज सेकेंड पार्ट है मेरी वार की वीडियो का जो कि मैंने नई शॉपिंग की है सारी की सारी वो आपके साथ शो करी हूँ फ़र्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंजन की सारी कलेक्शन दिखाई थी अब डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो मैं आपको दिखाना स्टार्ट करूँगी तो सबसे बड़ी पहले बड़ी डिसेंट एक शर्ट मैंने ऑर्डर की है बुनंदा सतरंगी से वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पार्सल मुझे रिसीव हो गया है थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर होगा मेरा बेबी है वो रूम में खेल रहा है तो जी मनायजा सतरंगी का ये पार्सल आपको पहले दिखा देते हैं खोलते हैं जब आया तो ये है जी शर्ट इसको मैं अभी आपको खोल के दिखा देती हूँ इसका ना ग्रे सा कुछ कलर है ग्रे की ही फैमिली का कोई टोन है वो कलर है इसका ये देखें और इसकी नेक लाइन इतनी खूबसूरत बनी हुई है ना मुझे इसकी नेक लाइन ही ज़्यादा पसंद आई थी जो मैंने ये शर्ट ऑर्डर कर दी थी ये देखें अभी मैं ना जब डिटेल वीडियो इसकी दिखाऊंगी तब आपको इसकी नेक लाइन ज़्यादा क्लियर शो हो जाएगी इसके जो बाजू हैं वो बेल बॉटम में है। इस तरह से फ्लोरल प्रिंट है इसका नीचे से ये सारा फ्लोरल प्रिंट है ये मैं आपको डिटेल वीडियो दिखाती हूँ फिर आपको ज़्यादा शर्ट की समझ जी ये बुनजा वाली शर्ट जो है इसका साइज है टेन और टेन साइज होता है जी बुनजा में लार्ज शायद ठीक है एल एल लिखा हुआ है तो शायद ठीक है ये कॉटन नेट में है ग्रे कलर में है फोर टू एट जीरो इसकी प्राइस है फोर्टी टू हंड्रेड एंड एट्टी रुपीज ठीक है जी ये रहा इसका टैग और ये इसकी नेक लाइन है जी बड़ी खूबसूरत बड़ी डिसेंट सी इसकी नेक लाइन बनी हुई है ये देखें बड़ी प्यारी नेकलाइन है और ये इसका फ्लोरल प्रिंट रेड कलर में ब्राउन कलर में ब्लैक कलर में कॉम्बिनेशन है कोई भी इसके साथ ट्राउज़र चल जाएगा कॉटन नेट स्टफ़ है इसके नीचे इन्होंने स्लिप लगाई हुई है ये स्लिप साथ ही लगी हुई थी ये अच्छी बात है कि इसके साथ स्लिप लगी हुई थी वरना बड़ी टेंशन हो जानी थी अच्छा जी अब बैक बैक साइड इसकी सारी ये है और यहाँ जो शोर सुनाई दे रहा है वो यहाँ से आ रहा है ठीक है जी ये बैक साइड है इसकी प्लेन बैक साइड है अच्छा जी अब मैं आपको बताती चलूँ कि शर्ट अच्छी है सेल अच्छी थी सेल में मुझे मिल गई ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन हंड्रेड की शर्ट लेकिन प्रॉब्लम ये आया जी ये इन्होंने जो है ना वो थोड़े गंदे हुए हुए आर्टिकल्स जो है ना वो सेल में लगाए हुए हैं यानी ये थोड़ी सी डस्ट इसके ऊपर पड़ी हुई है डैट्स इट ये शायद डमीज़ को पहनाए होंगे उन्होंने ये देख रहे हैं आप शोल्डर पे थोड़ा सा मसला मैं फ्रैंक आपको जो है ना वो रिव्यूज़ दूंगी तो ये ब्रांज़ा सतरंगी की जो है कलेक्शन में से मैंने प्रट कलेक्शन में से ये मंगवाया है और इसकी आप कंडीशन देख लें कि शोल्डर्स में ये जो गंदा हुआ हुआ है थोड़ा सा ये कलर चेंज आपको नज़र आ रहा है ना ये प्रॉब्लम मुझे इसमें आया बाकी शर्ट इज़ गुड शर्ट अच्छी है ओके जी सेकंड पार्सल है वो मुझे रिसीव हुआ है जे डॉट का इनकी भी सेल लगी हुई थी सेल इन्होंने लिखा हुआ था फिफ्टी परसेंट ब फिफ्टी परसेंट सेल थी कोई नहीं बहुत ही रफ़ कपड़ों के ऊपर फिफ्टी परसेंट सेल थी फ़्रैंकली स्पीकिंग थर्टी परसेंट थर्टी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ये वाली जो सेल थी ना ये वर्थ बाइंग थी इसमें से मैंने इनके प्रोडक्ट में से दो शर्ट्स ऑर्डर की थी वो दोनों मुझे मिल गई हैं अच्छा जी मैं इनकी प्राइजेज भी आपको बता देती हूँ साथ, साथ। पता नहीं मैंने कहीं गिरा दी है अच्छा जी पहले एक ये लॉन की शर्ट है ये रेड कलर है आ, मल्टी कलर्स की शर्ट है ये ठीक है मैं खोल के आपको दिखाती हूँ ये है अभी मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो दिखाती हूँ फिर आपको इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी ठीक है और प्राइस है जी इस शर्ट की ट्वेंटी फाइव नाइन्टी और मुझे सेल के बाद ये मिली थी सिक्सटीन सिक्सटी फोर रुपीज़ इस तरह यानी सेवन हंड्रेड के राउंड अबाउट ये शर्ट मुझे पड़ी थी ट्वेंटी फाइव नाइन्टी इसकी औरिजिनल प्राइस है अगर आप सेल के बगैर जाएंगे तो आपको ये ट्वेंटी फ़ाइव नाइन्टी की ही मिलेगी जनाब और आप देख लेते हैं इसकी डिटेल वीडियो ओके okay, जी तो ये जे डॉट वाली शर्ट है इसकी स्टिचिंग आप देख लें ये पाइपिंग है ये पट्टियाँ इन्होंने अलग से एक्स्ट्रा जो कपड़ा डिजाइनिंग का होता है उसमें से लगाई हुई है और इसके जो स्लीव्स है ना ये स्केयर कट में शोल्डर कट हुआ हुआ है ये देखिए स्केयर कट में शोल्डर कट है और स्लीव्स काफ़ी चौड़े हैं काफ़ी चौड़ाई में स्लीव्स हैं ये बॉर्डर अलग से लगा हुआ है ये वाला बॉर्डर अलग से लगा हुआ है यहाँ ये लेस है बीच में अटैच हुई ये पोर्शन अलग है ये अलग है ये लेस अलग है और ऊपर का बाजू अलग है ठीक है ये इसकी बाजू की फिनिशिंग है और नीचे आए तो ये इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट रखी हुई है यहाँ से शर्ट बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ रही कोई फिटिंग नहीं है शर्ट की और नीचे ना ये इसकी जो कटिंग है ना वो एयरलाइन स्टाइल में हुई है ठीक है एंड पे इन्होंने यहाँ पर अंदर वाली साइड पे ये बॉर्डर अटैच किया हुआ है मुझे नहीं पता क्यों अटैच किया हुआ है शायद अगर किसी को इसकी लेंथ लंबी करनी हो तो उसके लिए है या इन्होंने इन साइड दोनों तरफ पिछली और अगली साइड पर यह बॉर्डर अटैच किया हुआ है। ठीक है जी ये देख लें इसकी ओवरऑल लुक आप ख़ुद भी ये प्रिंट लेकर इस तरह का निषाद का अनस्टिच तो ये स्टिच करवा सकते हैं आप शर्ट क्योंकि ये मुझे तो लगता है स्टिच में बहुत महंगी है ट्वेंटी फाइव नाइन्टी रुपीज़ की ये शर्ट है स्मॉल साइज़ में जे डॉट प्रेट की और अगर आप इसको ख़ुद लेके सिलवाएंगे तो ये आपको पंद्रह सौ सोलह सौ में पड़ जाएगी तो ये ख़ुद लेके सिलवाना जो है वो ज़्यादा ईजी है इसका बैक का प्रिंट देख लें प्रिंट नो no डाउट इसका बहुत प्यारा है लेकिन एक्सपेंसिव है ये अब चलते हैं दूसरी शर्ट की डिटेल वीडियो में सेकंड शर्ट है ये ये वाली शर्ट मुझे उस लॉन वाली शर्ट से ज्यादा पसंद आई है बिकॉज मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो मेरी तरफ़ से इनके जो रेडीमेड कपड़े हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं कोई वर्थ बाइंग नहीं है वही डिज़ाइनिंग आपको किसी भी और ब्रांड में बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी जो कि जे डॉट की बहुत हाई प्राइजेज़ हैं इनकी कंपेरेटिवली मैं आपको बताऊं तो इनकी मुझे प्राइजेज़ काफ़ी हाई लगी हैं इनके कपड़ों की निसबत ठीक है जी ये शर्ट है ये मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी है इसकी ये भी मैंने जे डॉट प्रट में से ही उठाई है और इसकी जो प्राइस है वो है थर्टी टू नाइन्टी रुपीज़ थर्टी टू नाइन्टी रुपीज़ और इसकी मैं डिटेल वीडियो आपको खोल के दिखाती हूँ फिर ही आपको इस शर्ट की ज़्यादा समझ आएगी इसके साथ मैंने यही बेज कलर का सिफ़ार का ट्राउजर ऑर्डर किया है वो भी मैं आपको वीडियोज़ में दिखा दूँगी और इसके साथ भी बेज कलर का ही ट्राउज़र चल जाएगा इसमें काफ़ी सारा जो है ना वो बेज कलर है तो दिखाती हूँ इसकी डिटेल वीडियो आपको ओके okay, जी दूसरी शर्ट ये है ये शर्ट मुझे पसंद आई है कपड़ा भी अच्छा है इसका प्राइस इसकी थी थर्टी टू नाइन्टी रुपीज़ स्मॉल साइज में है ये ठीक है जी और ये इसकी स्लीव्स का फ्रंट है ये लैस लगी हुई है फ्रंट पे और इसका जो कपड़ा है वो जकार्ड का है ये देखिए कपड़ा इसका जका है और इसकी स्टिचिंग इस तरह है कि इन्होंने थ्रू आउट जो है वो यहाँ से लेकर नीचे पूरा जो है वो ये लेस अटैच की ओके okay, जी ये वाली शर्ट मुझे कंपैरेटिवली बहुत अच्छी लगी है इनकी इसकी प्राइस थर्टी टू नाइंटी रुपीज़ है और ये भी प्रेट में से मैंने ली है ग्रे कलर की और इसका जो स्टफ है वो सेल्फ जिकार्ड है उसके बीच में ये जो है प्रिंटेड जो प्रिंट होता है ना आ, स्क्रीन प्रिंटिंग वो हुई हुई है ठीक है जी इसकी लाइन बड़ी डिसेंट बनी हुई है बैन वाला गला है इसका और थ्रू आउट ये पट्टी आ रही है और साथ में एक छोटी सी एक रोशिया लेस अटैच की हुई है और यही लैस जो इन्होंने थ्रू आउट शोल्डर्स पे और शोल्डर्स के साथ साथ नीचे और ये चाकों पे और साइड पे अब्दुल्ला सोया हुआ चाकों पे ये सारे ये जो है ना वो लैस लगाई हुई है ठीक है जी बैक साइड पर इन्होंने यहाँ पर ये दो लाइन्स इसकी गुजारी हुई है फ्रंट पर बॉर्डर है इस वजह से उन्होंने लैस नहीं लगाई और बैक साइड पर इन्होंने दो ये इसकी जो है ना लैस की लाइन्स गुजारी हुई हैं थोड़ी सी इसकी जो लुक है ना वो आ, सेमी फॉर्मल टाइप आप कह सकते हैं ऐसी लुक है इसकी स्लीव्स इसके देख लें आप बेल बॉटम बेल बॉटम स्लीव्स हैं और ये देख लें आप डिसेंट से इसके स्लीव्स हैं कभी कहीं से आवाज़ आएगी आपको कहीं कभी कहीं से आवाज़ आएगी बिकॉज़ मैं जो हूँ अब वो रूम में वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिए हैं तो बच्चे रूम में होते हैं तो ये जी सेकेंड वाली शर्ट की डिटेल वीडियो अगर किसी ने स्क्रीन लेना है इस तरह ले ले जाके दिखाएंगे आपको शर्ट मिल जाएगी और ये ख़ुद भी सिलवाई जा सकती है एंड नेक्स्ट इज़ वेरी कूल कलर ये ग्रीन कलर है बड़ा ही खूबसूरत सा कूल सा कलर है सॉरी ये साइड इसकी फ्रंट साइड है और बड़ा फंकी सा स्टिच हुआ है कलर भी बड़ा फंकी सा इसका ये ग्रीन कलर है इसके यहाँ पर देखें ये चुंटे डली हुई है अच्छा इसकी आप देखें यहाँ साइड्स पे कोई चुनटे नहीं हैं ये वाली साइड ये भी प्लेन है ये भी प्लेन है सेंटर में सिर्फ इसके चुनटे हैं इसकी वजह से जब मैं ये पहनती हूँ ना तो ये वाली जगह जो है ना यहाँ पर चुंटे आती हैं और इतनी कोई डिसेंट ये लुक आती है ना इसके स्लीव्स आप देख लें ये डिसेंट से स्लीव बने हुए हैं इसके ठीक है और इसका फ्रंट जो है वो बे गले के साथ है प्लेन कुछ भी नहीं है और बैक साइड पे ये लूप अटैच है एक ठीक है जी बैक साइड पे भी उसी तरह से ये दोनों साइडें प्लेन है सेंटर में इसके छुटे हैं और जो लेंथ है वो भी इसकी जो है वो हिप्स से थोड़ी नीचे है बिना अचानक से मेरा बेबी ना बिल्कुल सामने मैंने सुलाया हुआ बच्चों को तो वो हिलने लग गया और मैं बिल्कुल डर गई बीइंग अ मदर ये सारे काम करना लिटरली बहुत टफ़ हो जाता है बच्चों के साथ मैनेज करना मैं अभी आपको दिखाती हूँ अच्छा जी आई ट्राइड कि वो ना उठे लेकिन वो उठ गया बिकॉज मुझे थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ता है ताकि आप लोगों को जो आवाज़ है वो वीडियो में क्लियर आए तो वो उठ गया और शुमाइला उसको बाढ़ ले गई है अच्छा जी तो मैंने आपको ये डिटेल इसकी सारी बता दी थी अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसके साथ कम्बिनेशन में जो मैंने इंजन से पेंट बाय की थी वो भी दिखा देती हूँ क्या हुआ तो जी शाहजैन ने मोशन कर दिया था तो अब शुमाला उसका पेम्पर का सामान लेने आई थी अच्छा जी तो ये देखें ये पैंट मैंने ली है इंजन से इसी टॉप के साथ मेरी कोशिश थी कि इस टॉप के साथ कुछ कम्बिनेशन में अच्छा सा खरीद लूँ अब पता नहीं इसके साथ मैं ये पहनती हूँ नहीं पहनती हूँ लेकिन बहरहाल मैंने ली इसी के साथ ही दिखा देती हूँ आपको बहुत ही डिसेंट सी स्ट्रेट पेंट है स्ट्रेट ट्राउज़र टाइप इसकी लुक है कुछ वेस्ट इज़ थर्टी टू और इसका टैग कहाँ है इसका टैग गायब है। हैल जी इसका टैग शायद गिर गया है कहीं क्योंकि बार बार कपड़े हैंग हो रहे हैं निकल रहे हैं तो वेस्ट इज़ थर्टी टू और इसका टैग गायब है प्राइस वाई वॉज़ आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है इसकी प्राइस थर्टी टू हंड्रेड थी या थ्री थाउजेंड कुछ इस तरह थी ठीक है बाय आप इस तरह देख के ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर ये वहाँ पर अवेलेबल हुई पच्चीस सौ दो हज़ार इस तरह कुछ मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल याद नहीं है इसकी प्राइस तो ये आपको मिल जाएगी इस तरह आप इसका स्क्रीन ले लें ठीक है बैक साइड इसकी इस तरह है और ये पहना हुआ इतना डिसेंट लगता है ना अब इसका नाम भी मुझे नहीं याद क्योंकि इसके गिर गया है ना टैग तो उसी के ऊपर सारा कुछ मेंशन था ये पहना वो बहुत डीसेंट लगता है इंशाल्लाह वेरी सुन इसको पहनूंगी ना इस ट्राउज़र को तो आप लोगों को ज़रूर पिक्चर्स शेयर करूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये पहने हुए कपड़े कितने डिसेंट लगते हैं सिलवाया भी खुद जा सकता है अगर आपको कुछ इसकी स्टिचिंग समझ आ रही हो ये कपड़ा भी ट्राउज़र का है पेंट का कपड़ा नहीं है ये लेकिन ये स्टिचिंग पेंट ट्राउज़र स्टाइल में हुई है सारी तो पहनूंगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी तो ये हो गया जी इन दोनों का कॉम्बिनेशन ग्रीन और ग्रीन लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन ठीक है जी आ, डिटेल वीडियो आपको दिखा देती हूँ ये लें जी डिटेल वीडियो इसका ये टैग है पिक्चर ले सकते हैं आप साइज़ मैंने इसमें भी लार्ज लिया है बिकॉज़ ये टॉप्स जो है ना वो मुझे खुले खुले अच्छे लगते हैं ठीक है जी ये इसके बाजू हैं ये इसका फ्रंट स्टिच है ख़ुद कपड़ा लेके भी सिलवाया जा सकता है लेकिन ये फिनिशिंग नहीं आती है बैक साइड इस तरह से है स्क्रीनशॉट ले सकते हो ले लिया जी वेरी गुड फ्रंट इस तरह से है और बाजू इस तरह से है इकट्ठे रख देती हूँ जिसने स्क्रीन शॉट लेना है वो ले ले और स्टिच करवा ले ले लिया है स्क्रीनशॉट तो अच्छी बात है स्क्रीनशॉट के साथ ही वीडियो के नीचे थम्स अप का इस तरह का साइन आ रहा होता है उसको भी क्लिक कर दो ताकि जो है बनाने वाले की मेहनत वसूल हो जाए पेंट है जी ये इस तरह से ये ठीक है जी बैग इस तरह से है इसकी तो ये कॉम्बिनेशन भी पहनूंगी तो आपके साथ इंशाल्लाह पिक्चर्स शेयर करूंगी दी कपड़े आपने देख लिए आज मैंने आपको दिखाई है बुनैा की बुनैजा प्रट की एक सेमी फॉर्मल शर्ट और जे डॉट की एक सेमी फॉर्मल दिखाई है और एक लॉन्न में दिखाई है ये दोनों भी मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर की थी और बुनैा की जो शर्ट है वो मुझे तीन दिन में आ गई और जे डॉट के कपड़े आलमोस्ट मुझे सिक्स सेवन डेज़ में रिसीव हुए हैं ठीक है जी अगर आपने मंगवाने हो तो इतने दिन अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा आई होप सो आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं अगर आप इंजॉय करते हैं आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे बिल्कुल नीचे अप का साइन है उसको दबा दीजिएगा मिलूंगी आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह आपका और मेरा निगेबान अल्लाह हाफिज़